गन्ने खेत में लग रहे हैं। गन्ने के पीछे मेरे देख रहा है तू बहरा है के? तुझे ही कह रही क्या देख रहा है? क्यों लड़ रही हो? कर रहे हैं लड़ाई, हमारी मर्जी। अरे मर्जी तो तुम्हारी है, पर लड़ाई क्यों हो रही है? अरे हो रही है लड़ाई, तू हमारी लड़ाई में क्यों दरोगा बन रहा? जा अपना रास्ता ना। ए रास्ता छोड़ो, जान दो इस दरोगा को, हटो। बना घना दरोगा। छोड़ो छोड़ो गन्ना, छोड़ो मेरा गन्ना, छोड़ो छोड़ो गन्ना। बावने क्यों लड़ रही हो? तब इतनी बड़ी होगी तो बुद्धि कब आओगी? अब बेबुद्धि की रहोगी? बेबुद्धि बता रहा तू? ये सही है तो हाँ। दीवान जी, मेरा नाम है सेरा। मैंने भी अच्छे अच्छे को ठीक कर दिया है, और तू मुझे हल्के में ले रहा? हल्के में नहीं ले रहा, मैंने बड़बड़ों पर लट फेरा। आपका नंबर है 13। हमरा भी तो कुछ बनता है जी, बिन फेरा हम तेरा। चुप। काबिल जी, कुछ ना हुई, जिसके अपनी साथ ना दे समझो गिद्दर ने भी शेर को घेरा। तू भूल गया ये लगवा रखा मैंने तेरा डेरा? वो तो उस वाली बात होगी, इधर कुआ इधर झेरा। मैंने तो कह दिया 20,000 रुपए लगेंगे, फैसला करा दूंगा, नहीं तो पूरा खानदान जेल जाएगा। सही गई। हाँ भाई, चाय भेज रहा है, तेरा खोका भी उठवाना पड़ेगा। इसके भी नखरे ज्यादा हो रहे हैं। हाँ सही कह रहे। हाँ भाई, कैसे, क्या बात है? मेरा नाम राजपाल सिंह है। राजपाल सिंह है तो हम क्या करें? मैं तुम्हारा नया चौकी इंचार्ज। जी जी साहब। कैब कहाँ है भाई तुम्हारी? कमरे पर रहेगी सर। जब आप इतनी मेहरबानी कर ही रहे हैं पुलिस विभाग पे, क्या आप आगे कैब भी ले आया करो। जी सर। तो चौकी में कितना स्टाफ है? एक। अरे यार चलो कोई नहीं, परिचय कर लेते हैं। मेरा नाम राजपाल सिंह है। साहब मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र भाई जीडी भी उठा लो, अपनी आमद भी चढ़ा दूंगा। ठीक है सर। बस जी अच्छे। नाम बताओ। जी राजीव सिरोही। अमित सहोत्ता साहब। अरुण त्यागी सर। त्रिपाल देवते साहब। चौधरी सर। सर मैं हवालदार सुरजीत सिंह। सर ये बताओ, चाय में नमक ज्यादा लोग, मीठा मतलब हल्का लोग ज्यादा है? चाय पिलवा दो भैया, जैसी यहाँ बनती हो। अरे सेरा, अरे साहब के लिए चाय लगाओ ये बढ़िया सी। हाँ जी लाया जी। बहुत अच्छी चाय बनाता है। राम राम साहब। राम राम जी। मेरा नाम है सेरा। जो मेरी चाय पी ले वो हो जा मेरा। और ऐसी चाय बनाता हूँ, ऐसी बनाता हूँ कि पी के जान से आ जा। खुद भी पी लिया करो कभी कभी। हाँ जी मैं भी पीता हूँ। हेड कौन है यहाँ? सर। जल्दी से तैयार कर दूं, फिर तुझे अड्डे पे भी छुड़वाना है। तेरी वैन आती होगी, कहीं लेट ना हो जा। अरे दीदी आप रोज क्यों मेरे साथ दीदी को भेज देते हो? मैं अकेला चला जाऊंगा। तुझे अकेले बिल्कुल ना भेजूं।
अरे भतेरे दुश्मन है हमारे, मुन्नी और कला छोड़ के आवेगी तुझे। मुन्नी? मुन्नी तीन दिन से नहीं नहाई, वो कह जाएगी साल में छोड़ने। अच्छा तू नू कह रही है मैं तीन दिन से ना नहाई, तन्ने तो 8 दिन से मुंह भी ना धोया। मुझे तो 8 दिन ही हुए, कला ने तो मुंह भी नहीं धोया। मैं मुंह धोके क्या करूंगी, मेरा तो कल भाई को निलाते निलाते मुंह हाथ धुल गया था। अरे तुम लोग क्यों बकवास कर रही हो, चल कला और मुन्नी छोड़ के आवंश को। यू कह रही कि नहाती ना है, यू बड़ा नहावे शांति। अरे मैं के करूंगी नहा के, खेत में जाके फिर ऐसी हो जाऊं, पर वैसे मेरा रोज नहाने को मन ना करता। ए दीदी तू ठीक कह रही, मन तो मेरा भी ना करता। चलो कला मुन्नी छोड़ के आओ वंश को, आओ जल्दी जाओ। भाई दीदी मैं क्या कह रही हूँ, वंश का जन्मदिन आ रहा, रोज रोज नहा के करने क्या है, इकट्ठे नहा लेंगे भाई के जन्मदिन पे। दीदी भाई का जन्मदिन ना धूमधाम से मनाएंगे। अरे धूमधाम से क्या, खूब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ और नए जूते कपड़े एकदम टिप टॉप हीरो बना देंगे भाई को। और भाई के स्कूल का नया बस्ता भी तो लाना, और वो क्या हुआ गिफ्ट वो भी तो लाना। हाँ, सही कह रही हो, और सोच लो के लाना, एक ही भाई तो हमारा। अब तुम्हें सोचने की बिल्कुल भी जरूरत ना है, तारा चाचा है तो। और अब तुम मान क्यों ना लेती, जब थारी शादी हो जावेगी तो इस लौंडे को कौन संभालेगा, और यो जमीन कौन संभालेगा। मारी बात मान ले, तू अपने चाचा के साथ हो जा। अच्छा उस चाचा को अब याद आ गई हमारी, पहले तो याद ना आई जब हमें जरूरत थी, अब जमीन के लालच में हमारी याद आ गई, हम तो बिल्कुल भी साझे ना हो उसके। हाँ मैं समझ गया, तुम साझी क्यों ना होना चाहो, तुम्हें तो खेतों में मजा आवे। अरे पूरे गांव में थारा रुका हो रहा है, तुम लड़की हो लड़की की तरह रहो, ये जमीन चाचा को दे दो, और ब्याह शादी भी थारा चाचा ही करेगा। मैं तो कहूँ ये जमीन भी सारी दे दो है? चाचा ने अपना हिस्सा ले लिया, अब ये हमारा हिस्सा है। थारा हिस्सा कैसे है, अगर तुम सब लड़कियों हिस्सा लोगी तो मैं भी लूंगी अपना हिस्सा। सही कह रही है राम दुलारी, हम क्यों लेते हिस्सा, सारी जमीन हमारे भाई की है और उसी की रहेगी, एक इंच भी कम ना होने दे। हाँ, हाँ, हाँ। अभी वो बालक है, बड़े होने में टाइम लगेगा, अगर बीच में कुछ हो गया मरमरा गया तो। अपनी जुबान को संभाल के बोल, मरे हमारे दुश्मन मरे तू, कटे तेरी काली जुबान। तुम अभी नादान हो, तुम्हें पता नहीं है जिम्मेदारी क्या चीज हो, वह जिम्मेदारी थारा चाचा संभालेगा। तू भी तो फुप्पा लगे है, तू क्यों नहीं लेता जिम्मेदारी। के मेरे नाम की चूड़ी पहन रखी है, जो तेरी जिम्मेदारी निभाऊं। चूड़ी पहनना बता रहा दरोगा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, आइए बैठिए। मैं विकास बालियान, संकल्प उठी गांव का प्रधान, आप हमारे यहाँ आए, मैं आपके स्वागत के लिए आया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई चाय वाय पिलाओ प्रधान जी को। अरे नहीं नहीं, चाय तो हम पिलवाएंगे, दुर्गा जी आप हमारे क्षेत्र में नए आए हैं। कोई बात नहीं प्रधान जी, जब मैं बैठक पे आऊंगा तो आप पिलवा देना, अभी आप चौकी में हैं तो हमें सेवा का मौका दें। नमस्कार दुर्गा जी, मेरा नाम गजानंद है और मैं इस इलाके का छोटा सा नेता हूँ। अरे छोटे से कहाँ, आप तो क्षेत्र के दिग्गज नेता हैं। भाई ये तो सब आपका प्यार है। दरोगा जी हमारे इलाके में आपका स्वागत है, कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप निश्चित बताइएगा, हमारे नीचे से लेके ऊपर तक बड़े अच्छे संबंध हैं। दरोगा जी इस इलाके में हमारी मर्जी के बिना कोई काम होता नहीं है। बड़ा अच्छा लगा प्रधान जी आप आए, और कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे बताइएगा, और मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आपसे बात करूंगा, इसी तरह मिलजुल के समस्याओं का समाधान करेंगे। अरे भाई चाय कहाँ रह गई? आ गई सर। लाओ भाई। राम राम साहब। मेरा नाम है जी सेरा, मैंने इसमें चीनी कम और मीठा ज्यादा गिरा, और ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधान जी को नेता जी को चाय एक साथ दे रहा। दो जी चाय पियो। लीजिए। धन्यवाद। ठीक है सर।
अच्छा, और ये जो गली में झगड़ा हुआ था इसका क्या रहा? सर हो गया, समझौता करा दे। राम मर गया। आ, आ, सारे देह तोड़ दी साहब। अरे दरोगा जी देखो ना, दुम्मन की छोरियों ने इसे कितना पीटा है, सुजा के रख दिया, लाल कर दिया लाल। अच्छा, ये तो वही लड़कियां ना जो झगड़ा वगड़ा करती रहती हैं। हाँ हाँ दरोगा जी वही है। अच्छा तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ दरोगा जी, तनक सी बात थी, हम समझाने गए थे, उसी पे इतना पीट गेरा, देखो ना क्या हालत बना दी है इसकी। बहुत मारा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं दो आदमी भेज के ना मामला देखता हूँ, क्या मामला, ठीक है ना? ठीक है दरोगा जी, चलो जी। हाँ भाई राजीव जी, जाओ देख के आओ क्या मामला। मेरा तो पेट खराब हो रहा। पेट खराब है? अभी तो ठीक था। मैंने बताया ना जी, मेरे तो सुबह से पेट बहुत खराब है। अच्छा तो छुट्टी कर लेते भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ भाई तुम चले जाओ। सर मेरा तो बीपी लो रहा और चक्कर भी आ रहे हैं। बीपी लो रहा? जी सर। चल तू ले जा, तुम देखने से। हाँ भाई तुम चले जाओ। सर जी मैं तो अकेला। अकेला क्या, पुलिस क्या अकेली होती है? सर जी वहाँ हम नहीं जा सकते, वो लड़की तो बस ऐसी ही है। वैसी कैसी है? कमाल है यार, पुलिस वाले होके डरते हो। मैं जाता हूँ, तुम लोग यहाँ निगरानी पर रहो, गाड़ी निकालो। और वो पानी के झगड़े वाले आएंगे ना तो उनको बैठा लेना, मैं आऊंगा, मैं देखूंगा। चलो बाद में चल रहे हैं जी। तुम लोग कैसे जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। अजी एक आदमी तो आपको चाहिए पुराना, जो रास्ता बता सके, इसलिए मैं चल रहा हूँ। अच्छा और तुम? अजी वे हैं इतनी खतरनाक, दो तीन आदमी तो आपको अपनी गैल चाहिए ही। अच्छा और तुम? सर जी आपके साथ जाने से कुछ सीखेंगे ही। साहब मैं तो ड्राइवर हूँ। तुम सब लोग उतरो, यहाँ निगरानी पर रहो और मेरे साथ महिला कांस्टेबल भेजो। जाइए चलिए चलिए। एक आदमी बहुत था ना। हाँ चलिए चलिए। अंजू जी साहब बुला रहे हैं, आ जाओ। मैं भी ये उठा के आ रहा। ठीक रहे भाई। यार ये साहब तो बड़ा अजीब है, तुम्हें भी ना ले गया। पर एक बात है, आज कुछ ना कुछ नया होने वाला है। ठीक कह रहे आयु, पर मुझे पता कि आज कुछ अलग ही होने वाला है। अलग कुछ ना हो वे तो देख लिए, अभी भाग का चला आवेगा। अरे उसे गांव के माहौल का भी पता ही ना है, देख लिए जब वहां पहुंचेगा। जितनी जल्दी गया ना उतनी जल्दी वापस आएगा। भाई मेरा नाम शेरा है और भाग्य के होना मुझे बेरा है। सेरा तू बना कड़क चाय। हाँ। हम मार काम है चौकी में फेरा। ओ भाई तू कितना ही मार ले फेरा, अब ठंडी चाय ना चलने की है, ये साहब खाने का था फेरा। सही कह रहा है, ये ही होना अब हमारे साथ। हमारे पाली चाय बना। अरे कोई है क्या? ले सामने से दरोगा क्या कह दिया है, तो सचमुच में दरोगा पड़ के आ गया। ये दीदी इसके साथ तो पुलिस वाले भी हैं, ये सच में दरोगा दिखे है। तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हुई है, तुमने अपने फूफा को बहुत मारा है। अच्छा तो वो फूफा हमारी शिकायत करके आया है अपनी, ना बताई उसने, हमारे घर आके हमें बुरा बुला कह रहा।
तो उसके लिए कानून है ना, अपनी शिकायत दर्ज करो। अरे हम ना जानते किसी कानून फानून को, जो हमें बुरा भला कहवे है ना उसे फोड़ के सुखा दे हम। जेल चली जाओगी। अच्छा ऐसे कैसे चले जाएंगे, घर की सरकार है के? घर की नहीं तो सरकार तो है ना देश में। तुमने उसको इतना मारा है, उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है, इसलिए समझा रहा हूँ, तुम्हारा आपसी मामला है, अपना माफीनामा लिख लो और उनसे माफी मांग लो, वरना जेल जाओगी। हम ना मांगे माफी वाफी। हम ना मांगते। देखो हमें हमारे घरों में संस्कार दिए जाते हैं, और जब ये वर्दी पहनते हैं तो सबसे पहले सिखाया जाता है कि महिला का सम्मान करना, इसलिए तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ, अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ, माफीनामा लिख लो वरना जेल जाओगी, ठीक है ना अंजू? इन लोगों का माफीनामा लिख के लेके आओ। राजीनामा? राजीनामा तो मैं कभी भी ना करूं। देखियो कितना मारा है, मैं तो कोर्ट तक जाऊंगी, कोर्ट तक। अरे कोर्ट में बाद में चलिए, पहले डॉक्टर की दुकान तक ले चल। हाँ यहाँ पिटवान लाई अपनी भतीजी से। हाँ अजी ऐसा कैसा राजीनामा हो जाएगा, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, चोट लगी अगले का है, इस पे जानलेवा हमला हुआ, हमला कोर्ट तक जाएंगे, ऐसा ना छोड़ दें। सही कह रहे हो जी आप बिल्कुल। और हाँ वो तो याद है जमीन के एडवांस पैसे दिए मैंने। हाँ जी याद है, 2,00,000 रुपए एडवांस आए हैं। जैसे जमीन थारे नाम हो जा उसे मैं खरीद लूंगा, लेकिन जितने में तय हुई है ना उतने मिलूंगा। ठीक है पहले जमीन हमारे नाम आ तो जाने दो, जमीन हम आपको ही देंगे, जमीन आपकी है, चिंता ना करो। है भाई दरोगा जी तो आ लिए, पर मामला क्या रहा यो पता नहीं चला। अरे यह बात तो अंजू ही बता सके। लो आगे अंजू भी। अरे अंजू इधर आ, किराए गाँव में गए थे। अरे रहता ही क्या, सर के सामने तो एक भी ना बोली, किसी ने भी चूं तक ना करी। अरे अब मिला शेर निकु शेर। अबे तो हम क्या हैं साले, हम कुछ भी हो पर शेर ना है। अरे हमसे तो हम काका बोलना भी नहीं जाता। तो है मैं तो जा रही हूँ, सर को सूचना दूं जाके। अरे चलो हम भी चल रहे हैं। हाँ चलो भाई। सर उन लड़कियों ने माफीनामा नहीं दिया। नहीं दिया जी, उनको तो बुला के लाना पड़ेगा, कौन लाएगा? अमित सर वो राजीव को भेज दो। मैं क्यों जाऊं, तू चला जा। सर आप भेज तो रहे हैं, क्या वो आ जाएंगी? तुम पुलिस का मतलब जानते हो, पुलिस जिसको बुलाएगी उसको आना पड़ेगा और उसे आना चाहिए, सरकार ने ये ताकत इस वर्दी में दी है। अरे ये तो जाएंगे नहीं। सुरजीत सिंह जी सर। यस सर। तुम मंजू के साथ चले जाओ और उन लड़कियों को लेके आओ। जी सर। जी सर। और हाँ ये क्या भाई, इसका क्या करना है? ये सर छोटा मोटा चोर है, बटुआ पर से जो भी कुछ मिलता उड़ा देता। अच्छा नमस्कार दरोगा जी, हम यहाँ के लोकल पत्रकार हैं, सबकी खबर एक साथ अखबार से। जी कहिए। सर आपने एक बंदा पकड़ रखा है, इसे छोड़ देते हैं। अच्छा क्यों छोड़ दें? दरोगा जी किसी की जिंदगी का सवाल है। अच्छा तो आप जमानत ले रहे हैं इसकी या लिख के देंगे? लिख के क्यों देंगे सर, हम तो बातचीत करने आए थे, कुछ आपका फायदा जाएगा कुछ हमारा हो जाएगा। मेरा क्या फायदा होगा इसमें? समझो दरोगा जी। क्या मतलब है इसका? सर इसका मतलब नहीं समझते आप, कितने भोले बन रहे हो सर। मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो क्या तुम? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ से। मेरे सामने रिश्वत की बात मत करना, समझ गए ना? हम यहाँ के इज्जतदार पत्रकार हैं, 5 साल से पत्रकारी कर रहे हैं, हमारा बहुत नाम है यहाँ पे। हाँ तुम्हारा जो नाम होगा ठीक है, मेरे सामने भ्रष्टाचार की बात करोगे ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, समझ गए ना? लेन देन दलाली रिश्वतखोरी ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। हम भी लिख देंगे, यहाँ पे तानाशाही हो रही है। जाइए कुछ भी लिखिए, खड़े हो जाओ यहाँ से। देख लेंगे हम भी। हाँ देख लेना, जाइए। अरे तुम आइए आइए, क्या हुआ, माफीनामा नहीं लिखा तुम लोगों ने? हम माफी कैसे मांग ले उस लंगड़े से, वो हमारी जमीन हड़पना चाहता है, माफी तो बिल्कुल ना मांगू चाहे कुछ भी हो जावे। शांत हो जाओ, शांत बैठो बैठो बैठो।
चाय पियोगी? चाय की जरूरत ना है। चाय जरूरत नहीं होती, मान सम्मान होता है। हम तुम्हारे घर आएंगे, मत पिलाना। क्या नाम है तुम्हारा? शांति। बड़ा अच्छा नाम है। हाँ तो? मेरा मतलब है जैसा नाम है वैसा कुछ कर भी लिया करो। तो हम किसी के घर ईंट फेंक रहे हैं क्या? अब हमारे घर आके कोई हमें बुरा भला कह दे तो हम उसे कुछ भी ना कहवे? पढ़ी लिखी नहीं हो शायद? नहीं पढ़ी। क्यों? मेरी मर्जी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कानून भी कोई चीज है। तुम लोगों ने उस आदमी को कितना मारा है, हैं? अगर डॉक्टरी होगी तो जेल हो जाएगी तुम्हारी, 151 लग जाएगी और 307 भी लग सकती है कुछ ज्यादा हो गया तो। और जेल होगी तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। लड़की हो तुम, शादी भी नहीं होगी। अरे ना होवे शादी, पर माफी ना मांगे बिल्कुल भी। भविष्य खराब हो जाएगा तुम्हारा, समझ गई ना? माफी हाथ जोड़ के नहीं मांगनी है, सिर्फ कागज पे साइन ही तो करने हैं। हाँ तो ऐसे तो कर दूंगी, पर उसे समझा दियो हमसे बकवास ना करे, ना तो फाड़ के सुखा दूंगी और सुधार दूंगी। अरे सुधारना उनको नहीं है, तुम्हें खुद को सुधारना है। अरे हमें सुधरने की क्या जरूरत है? हाँ तुम्हें सुधरने की जरूरत है, तुम्हें तो नहाने की जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, मुकदमा हो जाएगा, खामोखा अंदर हो जाओगी, समझ रही हो ना? अपना एक साइन कर दो, बात खत्म हो जाएगी। हाँ भाई साइन करा लो, इनके साइन कर दो जाके। भाई अच्छा आया नया दरोगा, यू कमान खाना देवे। यू मारे तो अजरा, यू हमें जानता नहीं। इसकी इसी खबर बनाऊंगा, नौकरी जानी रहेगी इसकी, सस्पेंड करवा दो इसने सस्पेंड। ओ भाई मैं हूँ शेरा और यू है मेरी अमरपाली, और मुझे ऐसा लगे इस दरोगा के ना तो सिफारिश चले ना चले दलाली। आपको पीनी है तो बोलो, हमने चाय बना ली। भाभी जी प्या दो एक एक प्याली। बिल्कुल, चाय निकालो जी। आओ भैया। अरे भैया चलो जी। दरोगा जी इतने बड़े मामले का फैसला आप ऐसे कैसे करवा रहे हो? नेताजी क्यों गरमा रहे हो, क्या बात है? वाह हमारा आदमी पीट दिया, आप कह रहे क्यों गरमा रहे हो, ये फैसला ऐसे नहीं होगा। अरे नेताजी आप बेवजह राजनीति मत करो, ये इनका घरेलू मामला है, इनको देखने दो। ऐसा है इनके साथ अन्याय हुआ है और मैं इन्हें न्याय दिलवा के रहूंगा। आप पहली बात तो बाहर जाइए, मैं देखता हूँ ये मामला क्या है, ठीक है ना? बाहर जाइए। अरे आप उन लड़कियों को उठा के अंदर क्यों नहीं करते? पुलिस का काम सिर्फ सबको अंदर करना नहीं होता, कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, तो मुझे देखना क्या करना है। इनके साथ अन्याय हुआ है और मैं इनको न्याय दिलवा के रहूंगा। न्याय देना आपका काम नहीं है, कोर्ट का काम है। आप बाहर जाइए, मैं देख रहा हूँ मामले। बाहर जाइए, बाहर जाइए, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बाहर जाइए। ऐसा कैसे बाहर चले जाए, जो भी कार्रवाई होगी हमारे सामने होगी, आप कीजिए कार्रवाई। आप बाहर जाओगे या अंदर जाओगे मुझे ये बता दो, या मुझे जबरदस्ती आपको बाहर भेजना पड़ेगा? मैंने बताया ना मैं मामला देख रहा हूँ अपने आप ही, और मेरे यहाँ किसी की सलाह की या सिफारिश की जरूरत नहीं है। बाहर जाइए, जाइए। हाँ बताइए क्या बात है साहब। बहुत मारा लड़कियों ने, बहुत मारा, गिरा गिरा के मारा साहब। क्यों मारा है? रिद्वान जी ये दरोगा मैंने बेवकूफ दिखा है, अच्छे खासे पैसे बन गए, सारा काम खराब कर दिया। क्या चाहते हो तुम लोग बताओ? आप तो बस कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई आपके खिलाफ भी हो सकती है, पता है ना? अरे तुम्हारा पारिवारिक मामला, अपना समझौता कर लो, बातचीत कर लो, ज्यादा ठीक रहेगी। अरे दरोगा जी हम नहीं करेंगे समझौता, देखिए तो उसे कितना मारा है। इस मामले में तुम भी अंदर हो सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। घर में घुसकर हमला करने पर धारा 452 लगती है, उन लड़कियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है, इसलिए समझा रहा हूँ। और ये तुम लोगों को भी अच्छी तरह पता है कि तुम उनकी जमीन के चक्कर में हो, इसलिए
समझा रहा हूँ, अपना समझौता कर लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, क्यों पुलिस और कोर्ट कचहरी करते हो? ठीक है जी, जैसा आप कहते हैं वैसे ही कर लेंगे। क्यों जी? अजी ये बात तो ठीक नहीं है, देखो साहब कितना मारा है। देखो क्या ठीक है क्या गलत है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसलिए अपना साइन कर लो, समझौता करो, बहुत अच्छी बात रहेगी, जाओ। चलो जी। अरे वो फाइल लाना उठा के कल वाली। अरे नेताजी आ जाओ बैठ जाओ, खड़े क्यों हो, चाय पी लो। क्या दरोगा है ये, हमसे कहता बाहर बैठिए। अरे कितनों के हमने तबादले कराए हैं, कितनों को हमने सस्पेंड कराया, और ये हमसे कहता बाहर बैठिए, क्या है ये दरोगा? अरे नेताजी सर बहुत कड़क और ईमानदार हैं, ये कभी किसी से रिश्वत नहीं लेते। कड़क ईमानदार हैं? अरे जब कोई शुरू में आता है ना तो अपनी ये ईमानदारी ये अपनी कड़कबाजी किस लिए दिखाता है? अपने भाव बढ़ाने के लिए, और चार दिन बाद देखना यही रिश्वत लेता हूँ मिलेगा। और तुम तो जानते हो ना, आज तक किसी ने हमारी बात टाली है क्या? ये हमसे कहता कि बाहर बैठिए, क्या दरोगा ये? सही कह रहे हो नेताजी, सही कह रहे। दीदी के हुआ, के कहा दरोगा ने? दरोगा तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ऐसा के कर दिया दरोगा ने? दरोगा ने हमें चाय पानी की बुझी जो आज तक किसी ने ना बुझी। चाय पी के आई हो चौकी में? ए हमने ना पी किसी की चाय पाए, जाके तू चाय बना ले, चाय पीवेंगे हम अपनी। अच्छा ये तो बताओ चौकी में होया के? अरे होता के, दरोगा को बोल आई मैं, अगर अब के कुछ कह दिया ना उस फूफा ने तो बता दूंगी उसे अच्छे से। भाई तो स्कूल भी जावे अगर किसी ने कुछ कर दिया तो? दीदी अरे ऐसे कैसे कोई कुछ कर देगा, कोई हाथ लगा के देखे हाथ काट देंगे उसके। भाई के लिए तो हम जान भी दे सके। हमारा भाई हमें जान से भी प्यारा है। और नहीं तो क्या, ऐसी थोड़ी स्कूल भेजे दो छोड़ के जावे और दो लेके आवे भाई को। और तू बैठी है अभी तक, जा चाय बना ले। अभी लाती दी थोड़े लिए कड़क सी चाय बना के। दीदी मैं तो कुछ भी कहो, दरोगा है तो गजब। इतना भी गजब ना है जितना तुम उसे बना रही हो। दीदी वैसे दरोगा है तो बड़ा स्मार्ट। अच्छा मुझे लगता है तुम पिटोगी मेरे पे। दीदी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। है दीदी वही दरोगा जो उस दिन घर आया था? हाँ वही है। तो वो तो अच्छा है। कोई और रास्ता देख लो, ये तो पासा उल्टा पड़ गया। यू दरोगा ज्यादा ही होशियार बन रहा है, करना पड़ेगा इसका कुछ। इसका मैं सस्पेंड करवा दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा इसका। अभी नया नया है ना, न्यू ज्यादा उछल रहा है, जानता ना है मुझे अभी। अरे कोई बात ना, चौकी पे बात ना बनी तो क्या हुआ, कोर्ट तक जाएंगे कोर्ट तक। अरे तुम क्या कोर्ट जाओ क्या चौकी जाओ, मुझे हम छोरियों के घर में ले जाओ। मुझे वो सीन याद आ रहा राम दुलारी जब खाट पे गिर कर मूंछ की तरह कूटा मुझे। अजी तुम चिंता ना करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राम दुलारी वादन भी तू मेरे साथ ही, जाने तेरी भतीजी कूट रही मूंछ की तरह मोए, हार्ट अटैक होते होते बचा दे कैसे। चलो ड्यूटी करते करते थक गया होगा ना? हाँ यार बैठ। हाँ जी सेरा। हाँ और सेरा क्या हाल है? हाँ भाई सेरा। हाँ जी यार चाय पिलवा दे। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई देखा था ना मेरी वाली मुझे देख कर कैसे मुस्कुरा रही थी। ओह ज्यादा बकवास ना करे, एक बार भी ना देखा तुझे उसने, मेरी वाली नीचे नीचे देख के बहुत मुस्कुरा रही थी। अच्छा मैं वहीं ना था, तू ही है सबसे बड़ा हुस्ने आजम। ये तो अमित और पुष्पेंद्र वाली दिखे आज। चल बता मैं उन्हें। चलो देख कितना अच्छा फोटो है, इसे मैं फेसबुक पर डालूंगा। और देख अगला देख। ओए फेसबुक फेसबुक पर बाद में डाल लियो, तुम्हारी रज्जो और कलावती जा रही है, चले जाओ जल्दी, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने का। जल्दी जाओ यार यहीं खड़े रहोगे। धन्यवाद भाई, चल चल यार। हाँ
मेरा नाम है सेरा और मैडम है चौकी में अकेली। अब क्या काम है दुकान में तेरा? अमरपाली वहाँ कपड़े धोने घर काम बहुत ज्यादा पड़ा, तू घर का काम कर ले, मैं अकेला संभाल लूंगा यहाँ। मेरा नाम है अमरपाली और ध्यान रखना इधर उधर नजर मत मारना वरना बजा दूंगी तेरी ताली। और हाँ मैं ही हूँ तेरी घरवाली, जा रही हूँ। जा चली जा साली। मैडम जी लो चाय। अच्छा लेकिन मैंने तो चाय मंगाई ही नहीं। मैडम मेरा नाम है सेरा और आपको नहीं पता मैंने इसमें आपके लिए क्या क्या घेरा, इसे पीते ही दिमाग खुल जाएगा तेरा और पीते पीते हो जाएगा सवेरा। अच्छा हाँ। मैं आ रही हूँ अभी पानी देख के। ठीक है दी। हमारा पानी कैसे काट लिया तुमने? अरे टूट गया होगा, हम तो रोक रहे थे, हमारा पूरा खेत भर गया, नुकसान कर दिया हमारा और हमें बोल रहा है कि हमने पानी काट दिया इसका। तुम्हारे पानी काट लिया, हमारी गलती काट रही है। तू आग किसे दिखा रहा? तेरी नाकों को फोड़ दूंगी, अभी तो पानी कटा है, तेरी गर्दन भी काट दूंगी, फाड़ के सुखा दूंगी तुझे। हमारी ट्वेल और हमारे पानी और हमारी गर्दन काटेगी तो शांति से फालतू बोल रहा। यहाँ तो महाभारत हो रही है, निकलने में फायदा। चल चल ये कहाँ चला गया? अच्छा तो हमरा घर भेज के ये यहाँ अपना दाल गला रहा है, मैडम के साथ नैन में टक्का चल रहा है इसका। हमरा नाम भी है अमरपाली, हमरी बार न जाती खाली। ओ सेरा इधर आना, जा चला जा नहीं तो तेरी बीबी बैंड बजा देगी तेरा। जब भी मेरी कहानी बनने को होती है ये बिहार नाश मार देते मेरा। आपको तो बहाना चाहिए कि मैं घर जाऊं और तुम मैडम से नैन में टक्का करो। अरे यार मैं मैडम को चाय देने गया था। डार्लिंग तू क्यों नाराज हो रही है? लव यू। चल बहाने मत कर। मेरा नाम है सेरा, दूर दूर तक नाम है मेरा, सिस्टम बिगाड़ दूंगा तेरा। हाँ हमका मालूम है कि तेरा नाम है सेरा, चल जाके कपड़ा धो मेरा। ध्यान रखिए वो गंजा पुलिस वाला दिखाई ना दे मुझे, यहाँ ना खून खोल जाएगा मेरा। बनता है सेरा, इसको पता ना बिहार में ऐसा एक चेला था मेरा। मेरा नाम है सेरा, वो चेला होएगा, मैं गुरु हूँ तेरा। हाँ तो मरपाली अकेली है, बाद में चला जाऊंगा चौकी पे, सेरा भी ना है। हाँ तो मरपाली घाटों की चाय पीता हूँ। अमरपाली चाय पिला दे, तू इतनी अच्छी चाय बनाती है, बस ये जी करता पिए जाओ पिए जाओ। एक वो सेरा इतनी घटिया चाय बनाता, थूकने को मन करता मेरा। ठीक है साहब अभी बनाती हूँ। मैं गाड़ी पार्क कर रही हूँ, कभी साहब कहीं जान लगे। दरोगा जी हर जगह पराली जल रही है, आप क्या कर रहे हो? कहाँ चल रही है पराली? कहीं भी नहीं जल रही, तुम्हें पता ना कहाँ पराली दिख रही है, जाओ कुछ ना हो रहा। चलो आप, हम दिखाएंगे आपको। अरे तुम्हें ज्यादा पराली दिख रही है तो तुम खरीद लो और इसे दिल्ली ले जाओ। सर पराली जलाने से देश में प्रदूषण फैल रहा है। अच्छा पराली ते फैल रहा सारा प्रदूषण? ये इतने एसी चल रहे हैं शहरों में जाके देख, गाड़ी स्टार्ट है, फैक्ट्री चल रही है, इनते कोई प्रदूषण नहीं फैल रहा, और जो किसान अन्न उगा रहा है उसके पराली तक तुम्हें प्रदूषण फैल रहा है। कमाल है भाई यार। अरे तुम भी तो किसान घर होते ही हो गए,
तुम्हें भी तो पता होगा किसान के केक के काम है, पराली खेत में तो नहीं उठेगी तो क्या होगा, अगली फसल कैसे लगेगी। तो सर क्या आप कोई कदम नहीं उठाओगे इनके खिलाफ? तू कहाँ ले जाना चाह रहा मुझे कदम उठा के? भैया मुझे जो काम करना चाहिए मैं कर रहा हूँ, तुम मुझे मत समझाओ, तुम अपना करो जाओ। ठीक है ये खबर हम अखबार में छापेंगे। तू कहीं छाप लिए, तू इस अपने अखबार को इंडिया गेट पर ले जाकर टांग दे जब कुछ नहीं हो, जा। ठीक है चलो। दरोगा जी, शांति ने उसकी बहनों ने मुझे कितना मारा और देखो मेरा क्या हाल कर दिया। अच्छा क्यों? दरोगा जी मेरा पानी काट लिया है? अब मैंने मना करी तो मुझे मारन चटकी फाड़ा ले गए। अच्छा फिर क्या हुआ? और मैं तो मुश्किल से जान बचा गया हूँ। अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? मैं तो जी मेरी रिपोर्ट लिख लो, मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, अरेस्ट करो जी उन्हें। अच्छा हाँ। तुमने तो उन्हें कुछ नहीं कहा? ना मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस जान बचा के भागे हूँ अपनी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ और करते हैं कानूनी कार्रवाई करते हैं, आप घर जाओ। अरे बिजली भी चोरी की चलावे जी बिजली। अच्छा बिजली चोरी की चलाती हैं? हाँ। कहाँ चलाती हैं? वह अपने गेहूँ भर रही खेत। अच्छा झोड़ में तो नहीं चला रही ना कहीं? ना ना झोड़ में तो ना। हाँ तो फसल ही भर रही है ना, तो भरने तो कोई बात नहीं, जाओ तुम अपनी दवाई गोली करो कुछ, है ना? ठीक है मैं देखता हूँ कानूनी कार्रवाई करते कुछ। ठीक है दरोगा जी, ठीक ठीक है। अजय प्रधान जी, ये पशुओं में लंपी बीमारी चल रही है, इसमें तो पशुओं को बिल्कुल नुकसान हो लिया। अरे सतपाल, यह सारे प्रदेशों में फैल रही है, गायें मरन लग रही है इसमें, समझ गया? और एक बात बताऊं, मैंने कर दिया फोन पशु चिकित्सा अधिकारी के। अच्छा जी। हाँ और वे कल टीम भेज देंगे, इंजेक्शन लगेंगे इनके। अच्छा जी अच्छा ठीक है साहब। दरोगा जी आ गए भाई। दरोगा जी राम राम। राम राम प्रधान जी। आ जाओ जी आ जाओ बैठो जी। अरे प्रधान जी सुनियो जरा, देख दरोगा जी आए। नमस्कार जी। नमस्कार। जा चार कप चाय ले आ। अभी लाती हूँ। और बताओ दरोगा जी कैसा आ रहा हुआ? प्रधान जी मैं 6 लड़कियों के बारे में बात करनी चाह रहा था आपसे। कोई 6 बहनें हैं आपके गांव में और उनकी चौकी में शिकायत आई है। उनसे तो दरोगा जी पूरा गांव परेशान है, ओ जिसे देखे उसे पीट दे मैं, और उनके घर तो कोई आता जाता भी नहीं है। इस सतपाल की भतीजी तो है वे। अजी जब से हमारे भाई खत्म है उसके बाद में हमारा कोई वास्ता ना, ना उनके घर आना जाना, ना हमें कोई लेना देना दरोगा जी। अजय प्रधान जी हमारे तो ट्वेल चलानी है जाए के, थोड़ा बिजली आने वाली है। अच्छा जी दरोगा जी राम राम। अच्छा प्रधान जी राम राम। चलो जी मैं तो। प्रेमपाल तू गाड़ी जी। प्रधान जी दरोगा जी कच्ची उम्र में इनके माँ बाप गुजर गए थे, चाचा ने इनसे मुंह फेर लिया, कोई समझान बुझान वाला इन्हें रहा नहीं, बदतमीज होगी ये, किसी को कोई पेट छीट दें। प्रधान जी ऐसा नहीं है कि भाई इनके बदतमीज होने में आप लोग भी जिम्मेदार हैं, गांव भी जिम्मेदार है। मान लिया जब ये अनाथ हुई थी, कम उम्र थी, तो किसी ने इन्हें सहारा दिया, किसी ने इनकी तकलीफ को समझा क्या? भाई हम लोग प्रधान जी मेरे ख्याल से समाज में इसीलिए तो रहते हैं कि कोई किसी को दिक्कत आए तो हम आपस में साथ दे सकें, एक दूसरे को सहयोग कर सकें। तो बस हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को अपनी चार दीवारी तक ही सीमित करते जा रहे हैं, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। बात तो ठीक कह रही है दरोगा जी आप, हम सब अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे, इसलिए समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जान लग रही है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है हम आज ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ कोई किसी के काम नहीं आना चाहता। पर दरोगा जी एक बात है, और समाज भी अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभावे दरोगा जी, कोई किसी की मदद कर दे तो सवाल उठने लगे क्यों मदद कर रहे, और किसी की मदद ना करें तो सवाल उठे कि क्यों मदद नहीं कर रहे, और इनका तो मैटर ही दूसरा। एक छोरे की चाह में इन 6 बहनों का जन्म हुआ, फिर इनके माँ बाप गुजर गए, परवरिश करने वाला कोई रहा नहीं, बस इन छोरियों को भी अब किसी पे विश्वास ना रहा। तो प्रधान जी हमें पहले उनका विश्वास जगाना होगा ना।
बिल्कुल, आप करो कोशिश और हम आपका साथ देंगे। लो चाय लो। लीजिए लीजिए, मैं ले लूँ। हाँ खैर, ये समस्याएं हैं तो गंभीर प्रधान जी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यहाँ जो भी कुछ है और आपका ये गांव है, जो भी कुछ हम कर सकें मिलके। देखो, आपके आने से कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया हो रही, और अगर तुम इन छोरियों को सुधार दो ना, या इनका सब कुछ ठीक हो जा, तो तुम समझ लियो गांव जन्नत हो जाएगा। चलो जी, देखते हैं क्या। चाय तो एकदम गांव वाली है जी। एक बात कहूँ, कुछ भी कहो यार, सर और शांति की जोड़ी लगेगी बहुत बढ़िया। तो सर की और शांति की जोड़ी बाद में बना लिए, पहले अपने बारे में भी सोच ले कुछ। ओ तेवतिया, तू भी सुना दे कुछ, कहाँ चल रही है तेरी आजकल सेटिंग? भाई मैं ऐसे काम करता ही नहीं, मैं आजाद पंछी हूँ, मैं ऐसे काम से बहुत ज्यादा दूर रहता हूँ, मैं बस अपनी ड्यूटी पर ध्यान देता हूँ। रहन दे, बहुत गुन्ना आदमी है, सीधा सांप बन के दिखा रहा, तेरे भी कान निकलेंगे बेटे किसी दिन। शुद्धों के लवात नाते। अब सेब काट लो यार। अरे मूंगफली खा ले। ये टंकी नहीं भरी थी क्या, प्रेशर कम आ रहा? सर लाइट लेट आई थी थोड़ी। चलो क्या हो रहा है। चलो ये रखो। लाओ सर। मैं बताऊंगी इनको, चॉकलेट देंगे ये। मेरे भाई को ये चॉकलेट किसने दी? किसने दी भाई, क्या बात है? मेरा भाई बता रहा है इन पुलिस वालों ने चॉकलेट दिए इसे। हाँ भाई, किसने दिए? हाँ नहीं सर, हमने तो नहीं दी। हाँ भाई, हाँ भाई तुम बताओ किसने दी चॉकलेट। वंश किसने दी, तू बता। दीदी उसने दी हमें चॉकलेट, उसने। अच्छा तो इसने दिए? हाँ भाई, क्यों दी तुमने? सावन नवरात्रि खत्म हुए थे ना, तो माँ का फोन आया था कि बच्चों में कुछ बांट दियो। अच्छा, मैंने तो गांव में किसी और बच्चे के हाथ में चॉकलेट ना देखी, बस मेरे भाई के हाथ में देखी। अच्छा तो कोई बात नहीं, चॉकलेट इतनी बड़ी बात नहीं, चॉकलेट दे दी तो। अरे बड़ी बात क्यों ना है, हमारे पहले भतेरे दुश्मन, एक भाई हमारा, कोई कुछ खुआ दे, कोई बात हो जा। मैं तुम सबको बता रही हूँ, मेरे भाई को ना कोई कुछ दे मत देना आज के बाद, वरना बता दूंगी तुम सबको। और तू पकड़ अपनी चॉकलेट। भाई ये लड़की भी हर समय लड़ने को तैयार रहती है, पता नहीं क्या खा के आती है, और नाम वैसे इसका शांति है। हाँ भाई, तो तुमने फिर गांव में बच्चों को बांट दी चॉकलेट सभी को? ना जी। जाओ फिर बांट के आओ। सर सर कुछ नहीं, तुम्हारी माँ ने फोन किया है, तो तुम बांट के आओ। जाओ जाता हूँ। और कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। हाँ भाई, क्या मामला है ये? यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या मामला है, तुम्हें सब पता होगा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ना पता हो। पता बता दो। ऐसी बात ना, पसंद तो हम भी करें, मगर हमने चॉकलेट उकलेट ना बांटी। अच्छा सर, पता नहीं कौन सी लड़की पे निगाह इसकी, अमित तो रज्जू को पसंद करा है और कला को पुष्पिंदर। अच्छा साहब, कम तो ये भी नहीं है, ये चंद्रो को पसंद करा है, राजीव रूपा को। ओहो, अच्छा जी। सर अब तो बस शांति और मुन्नी बची है, पता ना किससे चल रहा है इसका। ठीक है, उम्र है, एक उम्र में सबको कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन जो भी कुछ करना दायरे में रह के करना, गांव का मामला है ये। पुलिस और वर्दी पे आँच नहीं आनी चाहिए, पुलिस का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि लड़की बाजी की कोई भी शिकायत आई तो सबसे पहले कार्रवाई करने वाला मैं हूँगा, ये याद रखना, कोई छूट नहीं दूंगा। नहीं सर, कोई शिकायत नहीं आएगी। हाँ सर, वो शांति के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्या कुछ नहीं, बताओ बताओ। नहीं कुछ नहीं सर। अरे वो मुकदमे की फाइल लाओ मेरे पास, जो दो भाइयों का मुकदमा हो रहा है जमीन पे। ये कहीं मेरे वाले ने तो नहीं दी?
ये मेरे वाले ने दी होगी जरूर, जरूर ये मेरे वाले ने दी होगी। हो ना हो, ये जरूर मेरे वाले ने दी होगी। आखिर चॉकलेट दी किसने होगी? अब ये तो तभी पता चलेगा जब दीदी आएगी। लो दीदी आ गई। सुन, आज के बाद किसी से चॉकलेट मत ले लिए, ठीक है? जा तू अंदर जा। दीदी कुछ पता चला चॉकलेट किसने दी? कहीं उसने तो ना दी मोटे से सामले से ने? दीदी कहीं उसने तो ना दी लंबा सा बारीक सा है? जीजी कहीं उसने तो ना दी जो गोरा सा है लंबा सा? कहीं दीदी उसने इतना दी कटारी सी मूंछों वाला? अरे नहीं, एक वो कम उम्र सी का है उसने दी। वैसे मैं कह आई हूँ कि हमारे भाई को अब कोई कुछ दे ना दे। दीदी मैं तो डरी गई थी कहीं बुआ ने और चाचा ने तो ना दे दी। देंगे नहीं, उसकी सारी जमीन लेंगे। लेगी कैसे, वो तो सुनती नहीं किसी की। सुनेगी और कैसे सुनेगी, इसके बारे में तो मैं सोचूंगी। तू कुछ भी सोचिए पर मुझे मत भेजिए उनके घर, मैं बिल्कुल नहीं जाऊं। बताओ भाई, इसने तो हवा भी ना लगन दी, कितना बड़ा रहस्य में मानव निकला है। तो रहस्य की बात कर रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रों के चक्कर में ना लग रहा हो। बस तू ये चंद्रों के पड़ रही, मुझे लग रहा है कि रज्जो को ना लपेट रहा हो। अरे तू रज्जो रज्जो कर रहा, मुझे तो यू डर लग रहा, यू कलावती पर कला तो ना कर रहा। यार तुम हंस रहे हो, मुझे तो ये चिंता हो रही है कहीं रूपा से मामला गड़बड़ ना हो। यू तो बहुत बड़ा गुन्ना तो भाई उसे मिलनी चाहिए घुन्नी। और भाई हिसाब लगा लो, अब तो बच रही है मुन्नी। और तू ऊपर कर अपनी चुल्ली। देखो आली आसिक, बुला बुला इसने बुला। यहाँ आ जा भाई, तेवत के यहाँ जा। हाँ भाई तू तो नू क्या कर रहा है? मैं तो ड्यूटी ड्यूटी करूँ। हाँ भाई सेरा, एक एक बड़े वाली चाय पिला और दो दो लड्डू खिला दे और पैसे तेवते के नाम पे लिखिए। ठीक है भाई साहब। मैं क्या दूंगा भाई, यार मैं तो पहले लुटका आ रहा हूँ, 5-6 हजार रुपये खर्च हो गए। होएंगे ना, जब छुप छुप के आज की करेगा तो है भाई। तू हमसे बताता, हम कराते बात। अच्छा यू तो बता दे है कौन सी वाली। अरे कोई नहीं, तो वह बात है छोड़ यार, यहाँ तो पहले बहुत खर्चा हो गया, 5-6 हजार रुपये खर्च हो गए। अरे साले तू पहले ही बता देता तो इतने लगते ही ना, हम 1 हजार रुपए में तेरा काम करा देते। अब तू तो नू कह गया आजाद पंछी, कहाँ गया आजाद पंछी? हाँ भी तेवतिया, अब दावत दे दे नहीं तो बात आगे तक जाएगी। ए भाई मेरा नाम है सेरा, तुमने यहाँ घेर दिया डेरा। अरे हम करवाएंगे तेरा फेरा, पहले तो तुम बता इन्हें तू दावत दे रहा या ना दे रहा। सही कह रहा है सेरा। अरे यार तुम तो बेइज्जती कर रहे हो, मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से। देख रहे हो उसे, इनने दिन की दावत को मना करी है, अब इसे शाम की दावत देनी पड़ेगी। अरे यू तो पड़ेगी और भी महंगी। ओ भाई मेरा नाम है सेरा, यू तुम्हें दावत दे रहा, देख नहीं रहा तुम्हें कितने हल्के में ले रहा। आओ यार कहीं दरोगा जी आ जाएंगे, नाराज होंगे देखेंगे। बहुत सारा सामान लेना है, कुछ घर का भी ले लेंगे। हाँ ओए या तो उनके वाली जा रही है, चल पता मैं उन्हें चल के। चल चल। मेरा नाम है सेरा। हम का कहे बताओ तो, हमरा तो मालूम है। अरे बात तो सुन, मेरा नाम है सेरा, यू मामला तेरा ना मेरा। मैं चाय लेके फैक्ट्री में मार के हूँ फेरा, पर हाँ मुझे गंजा पुलिस वाला यहाँ ना मिल जा और ना बक्खल तार दूंगा तेरा। हमरा नाम है अमरपाली, जो यहाँ एक बार आ जाए ना उसे जाने ना दू खाली। दत्ताली यही तो या। मैं सुन तो सही, तू जा तो रहा पर उनसे हम कहेंगे क्या, वे तो जरा सी बात पे पीट दे यार किसी को भी। उनकी बहन को नमस्ते कर लेंगे। हाँ उन्हें देख लेंगे, मौको लगा दो चार बात प्यार की कर लेंगे और क्या है। जल्दी चलो बाजार जाके मामा के घर भी जाना। हाँ। राम राम जी। कदे हमारी भी राम राम ले लिया करो। हाँ। हम भी इतनी मुंडी सी कल के पड़ी ना है। काले है तो क्या हुआ दिल वाले। रूपा चंद्रो इन्हें दिल वाले बनाते हैं, जाओ चल। इन्होंने तो धूल उतार रखी इनकी,
ले कर ले नमस्ते, यू होरी नमस्ते। अगर हम नमस्ते करते ना हमारा भी यही हाल होता। यार मैंने कब कही नमस्ते, वो तू ही कह रहा, तू ही लाया नमस्ते करवाने यहाँ। अरे चल बकवाद कर रहा, मैं लाया। भाग जल्दी कर यार भाई। भाग क्यों रहे हो काले कौओ लंगड़े? तो जा। आजा दिलवाले बनले।